जब आप लड़के झूठे 376 के मुकदमों में फंसे होते हो और जेल के अंदर गए होते हो और आपको तड़प होती है कि आपको किसी तरह से अपनी जमानत करानी है, तो उस समय पे आपके दिमाग में ऊल जलूल विचार आया करते हैं और बहुत बार आप ये सोचा करते हैं कि क्यों ना एक ऐसा रीजन ले लिया जाए जिससे कि कोर्ट आपको जमानत देने से मना ही ना कर पाए। अगर आप ये सोचते हैं कि कोर्ट में अगर आप झूठा सबूत लगा दें, अब कोर्ट को झूठ बोल करके आप ये सोचें कि आपको जमानत मिल जाएगी, बहुत बार आप सभी ने ये महसूस किया होगा कि जब आप प्रेम संबंधों में होते हैं, आपके रिलेशंस बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, लेकिन किसी एक गलतफहमी की वजह से या किसी और वजह से जब आपके रिश्ते बिगड़ने लगते हैं तो लड़कियां आप पर 376 जैसे मुकदमों को दर्ज कराने से गुरेज नहीं करती। और यहां पर जब आप लड़के झूठे 376 के मुकदमों में फंसे होते हो और जेल के अंदर गए होते हो और आपको तड़प होती है कि आपको किसी तरह से अपनी जमानत करानी है, तो उस समय पे आपके दिमाग में ऊल जलूल विचार आया करते हैं और बहुत बार आप ये सोचा करते हैं कि क्यों ना एक ऐसा रीजन ले लिया जाए जिससे कि कोर्ट आपको जमानत देने से मना ही ना कर पाए। जैसे कि आप कोर्ट को ये बता दें कि आपकी शादी होने वाली है और आप कोर्ट के अंदर बकायदा इनविटेशन कार्ड भी शादी का अपना जमा करा दें। ठीक ऐसा ही एक केस हाई कोर्ट ऑफ गुजरात के सामने पहुंचा, तो आइए इस वीडियो में देखते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये माजरा क्या था और इस केस में आखिरकार हुआ क्या। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस केस में आखिरकार हुआ क्या उसको हम बाद में जानेंगे, सबसे पहले हम इस केस के डिटेल्स देखते हैं कि क्या थे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इमरान अलियास छोटू कड़वा इश्तियार अहमद सिद्दकी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का एक केस पहुंचा था हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में। और इस केस में इस एप्लीकेंट ने, जो इमरान नामक लड़का है, इसने एक टेम्परेरीली बेल के लिए एक एप्लीकेशन लगाई थी कि 30 दिन के लिए उसको रिहा कर दिया जाए जेल से, क्योंकि और यहां पर इसने अपना कारण क्या बताया रिहा होने का कि सूरत में उसकी शादी होने वाली है 17/11/2018 को, और अपनी इन बातों को सही दिखाते हुए कि वाकई में उसकी शादी होने जा रही है उसने एक वेडिंग कार्ड भी इस एप्लीकेशन के साथ कोर्ट में जमा कर दिया। ये एप्लीकेशन हाईकोर्ट ऑफ गुजरात के सामने जब पहुंचती है तो जज साहब सारी चीजों को देखते हैं, वेडिंग कार्ड को भी देखते हैं, और उसके बाद 10 नवंबर 2022 को जो एपीपी साहब होते हैं उनको ये कहते हैं कि ये जो फैक्ट्स बताए हैं इस एप्लीकेंट की तरफ से कि इसकी शादी होने जा रही है 17 नवंबर को, तो इन फैक्ट्स को जल्दी से जल्दी वेरीफाई कर लिया जाए, मतलब इनकी जांच पड़ताल कर ली जाए और इस केस को सुनवाई के लिए छोटी सी डेट दी जाती है, क्योंकि शादी 17/11 की दिखाई गई थी तो एक छोटी सी डेट दी गई कि 15/11/2022 तक, कि लर्नेड एपीपी साहब 15/11/2022 तक इन सभी चीजों को मालूमात कर लें, जांच पड़ताल कर लें। खैर अगली डेट आती है 15/11/2022 को और वहां पर सूरत पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर साहब अपनी एक रिपोर्ट को फाइल कर देते हैं। आइए देखते हैं कि ये रिपोर्ट कहती क्या है। इस रिपोर्ट में जिस लड़की के साथ शादी होने की बात ये एप्लीकेंट इमरान कर रहा है उसका नाम है जयश्री बेन, और इसकी घर के आसपास जो विटनेसेस हैं यानी कि गवाहों से बातचीत की गई इस कंसर्न पुलिस स्टेशन सूरत के पुलिस अधिकारियों के द्वारा, और वहां पर ये बात पता चलती है कि इस घर में तो कोई शादी ही नहीं है,
17/11/2022 को। और ये जो लड़की है जिसका नाम जय श्री बेन कहा गया है इस एप्लीकेशन में, उसका नाम है जयश्री या उसको पायल भी कहा जाता है। और जो ये घर का पता बताया गया था इस एप्लीकेशन के द्वारा, वो जो घर है इस लड़की के पिताजी के नाम पर है। और इस घर में बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से बिजली भी नहीं है, इसलिए पिछले 2 साल से बंद चल रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि इस जयश्री ने अपने माता पिता को इस घर से निकाल दिया था, और इसके जो माता पिता है आज की डेट में महुआ जिला में रह रहे हैं। और इस लड़की, ये जो जयश्री लड़की है जिसके साथ इन्होंने 17 नवंबर 2022 को शादी होने का बताया था, उसके पिताजी की जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी नहीं चल रही है। और इसी तरह से इस रिपोर्ट में एक और बात भी कही गई कि पिछले 6 महीने से अलग अलग पुलिस स्टेशन से इंक्वायरी आ रही है इसी शादी के बारे में बातचीत करने के लिए। और असल में ये गवाह कहते हैं बहुत क्लियरली कि यहाँ पर कोई भी शादी ही नहीं है, और बल्कि ये लड़की तो यहाँ पर रहती ही नहीं है। और सिर्फ एक गवाह ने ये बात नहीं की, इस रिपोर्ट के द्वारा पता चलता है कि 2 और गवाह थे जिन्होंने ठीक इसी तरह की बात भी की। ये पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद और जो ये 3 गवाह हैं इनके स्टेटमेंट्स को देखने के बाद ये बहुत क्लियरली पता चलता है कि यहां पर ये जयश्री बेन नामक लड़की रहती ही नहीं है जिसके साथ इस एप्लीकेंट ने अपनी शादी 17 नवंबर को होनी बताई थी। बल्कि असल में तो इस पते पर कोई रहता ही नहीं है बिजली ना होने की वजह से, और ये घर तो पिछले 2 साल से घर बंद चल रहा है, ऐसा कहा गुजरात हाई कोर्ट ने। और ये भी कहा कि इस रिपोर्ट से बहुत क्लियरली पता चल रही है बात कि इस लेडी ने, ये जिसके साथ शादी होने की बात बताई जा रही है, इस लेडी ने अपने पेरेंट्स को अपने घर से निकाल दिया था। और क्लियर इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट के जरिए आ चुकी है कि 17 नवंबर को कोई शादी यहां पर है ही नहीं। और इसके साथ साथ इस रिपोर्ट के जरिए ये भी पता चला कि ये जो लड़की है जयश्री बेन, जिसके साथ इस एप्लीकेंट ने अपनी शादी होने की बात बताई थी और बकायदा एक मैरिज कार्ड भी लगाया था, ये लेडी और महिलाओं के साथ मिल करके कोर्ट को गलत सूचना, फॉल्स इंफॉर्मेशन देने में ऑलरेडी लिप्त है, इन्वॉल्व है। और इस रिपोर्ट के अनुसार ये जो पुलिस रिपोर्ट थी जो 15 नवंबर को फाइल की जाती है गुजरात हाई कोर्ट के अंदर, उस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जाता है कि ये जो अक्यूज्ड है जिसने ये एप्लीकेशन लगाई थी अपनी इंटरिम रिलीज के लिए 30 दिन के लिए, ये सिर्फ एक केस में लिप्त नहीं है जो मौजूदा है, इसकी बजाय ये अलग अलग 7 FIR में बुक है। पुलिस स्टेशन DCB में 3 केसेस के अगेंस्ट चल रहे हैं, लिंबायत में 3 केसेस चल रहे हैं, और इसी तरह से पुलिस स्टेशन उमरा में 1 केस, यानी कि टोटल 7 FIR में बुक है ये अक्यूज्ड। इन सभी रिपोर्ट्स को देख करके, इन सभी स्टेटमेंट्स को देखने के बाद हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने बहुत क्लियरली ये बात कह दी कि जयश्री यहां पर रह ही नहीं रही है पिछले 2 साल से। तो बहुत क्लियर है कि ये जो मैरिज कार्ड लगा है ये भी झूठा ही है। खैर, लर्नड एपीपी साहब को सुनने के बाद, एप्लीकेशन को बहुत अच्छी तरह से परखने के बाद और जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पर अवेलेबल थे उन सभी को देखने के बाद, कोर्ट ने आखिर में ये बात कह दी कि ये जो एप्लीकेशन लगाई गई है इसको एंटरटेन करने का कोई भी वैलिड रीजन नजर नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने इस केस को, इस एप्लीकेशन को डिसमिस करते समय कोस्ट को इम्पोज करने की बात कही। इसके अंदर दूसरी पार्टी का समय खराब हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन लगी है, लॉजिंग का पैसा लगा है, कोर्ट फीस, लॉयर की फीस, टाइपिंग, लिटिगेशन, और इसके अलावा न जाने कितने सारे खर्चे कोर्ट के हुए हैं। इसी के साथ साथ हाईकोर्ट ऑफ गुजरात ने एक और केस का हवाला देते हुए बहुत ही क्लियरली ये बात कही कि ये क्लियर अब्यूज ऑफ प्रोसेस लॉ प्रतीत हो रहा है, और यहां पर थोड़ी जो पैसा है उसको
लगाने से, यानी कि थोड़ी पेनल्टी लगाने से कुछ नहीं होने वाला, यहां पर तो एग्जेम्पलरी यानी कि भारी भरकम कॉस्ट लगाने की बात होनी चाहिए। और यहां पर कोर्ट ने 10,000 और 15,000 का जो जुर्माना लगाया गया था दशरथ लाल एम पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, उनको भी नजरअंदाज करते हुए जज साहब ने कहा कि ये जो एप्लीकेशन फाइल की गई है झूठे तथ्यों पर, झूठे सारे फैक्ट्स के ऊपर, वर्जन्स पर, स्टेटमेंट्स पे, और साथ ही साथ एक बहुत ही कोर्ट को बरगलाने का जो काम किया है, एक झूठा इन्विटेशन कार्ड शादी का लगा करके, तो ये जो एप्लीकेशन है ये बिल्कुल क्लियरली रिजेक्ट होना बनती है। और ये कहते हुए जज साहब ने 1,00,000 रुपए का जुर्माना इस एप्लीकेंट पर लगाया। ये पैसा 4 हफ्ते के अंदर अंदर, जैसे ही ये ऑर्डर उनको मिल जाता है, ऑर्डर मिलते ही 4 हफ्ते के अंदर अंदर कंसर्न्ड डीएलएसए में 1,00,000 रुपए जुर्माने जमा कराने का आदेश कोर्ट ने सुना दिया। और साथ ही साथ इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते समय हाईकोर्ट ऑफ गुजरात ने एक और बात कही कि जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है सूरत के, वो इसके अंदर आगे कार्यवाही करें और देखें कि इस केस में आगे क्या क्या किया जाना है। तो देखा आपने, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बात पता चल गई होगी कि अगर आप ये सोचते हैं कि कोर्ट में अगर आप झूठा सबूत लगा दें, अब कोर्ट को झूठ बोल करके आप ये सोचें कि आपको जमानत मिल जाएगी, तो वहां जमानत तो मिलेगी ही नहीं, बल्कि आपका कोर्ट रिकॉर्ड भी खराब होने वाला है, और साथ ही साथ हो सकता है कि आपके ऊपर इतनी ज्यादा कॉस्ट इम्पोज की जाए कि आप उसको वहन कर ही ना पाए। और इतना ही नहीं, हो सकता है कि इसके साथ साथ कि आप अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लें, जैसा इस केस में हुआ। कोर्ट ने 1,00,000 रुपए की पेनल्टी तो लगाई ही लगाई, साथ ही साथ कमिश्नर ऑफ पुलिस को डायरेक्शंस भी दे दी कि इस केस में आगे कार्यवाही और कड़ी की जाए। तो हो गया ना उल्टा, कहां तो आप जमानत लेने गए थे और कहां आपकी जमानत तो रद्द हुई। और साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि अब इस केस में कड़ी कार्रवाई की जाए और हो सकता है कि आपको जमानत मिले ही ना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।